मेरा नाम जो है रंजन कुमार पांडा है, और मेरा जो डिजीज़ मालूम चला मुझे वो 2000 पे मालूम चला, क्रोनिक लिवर डिजीज़ है बोल के मालूम चला। और उसका बाद से डॉक्टर ने बताया कि आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा अभी, और रिपोर्ट्स पूरा ठीक ठाक है, तो आपको लॉन्ग टर्म में वो लिवर सिरोसिस हो सकता, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, हो सकता बोल के बताया। उसका बाद से मैं 15 साल तक चेकअप में रहा, हर 3 महीना में चेकअप करते गया, तो बाद में बॉडी वीक होना शुरू हुआ और मुझे ब्लैक मोशन शुरू हुआ। सितंबर में 2014 में ब्लैक स्टूल शुरू हुआ, तो उसका बाद में ये मालूम चला कि आपका बाइंडिंग करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कि EVL। वो बाइंडिंग करने के बाद फिर मेरा नॉर्मल कंडीशन में आ गया, लेकिन उसका बाद से मेरा बेलुरुबिन हाई होते गया। तो उसका बाद में डॉक्टर ने बताया कि आपका अल्बुमिन जो है लिवर फंक्शन टेस्ट का, वो भी कम गिरते गया डे बाई डे गिरते गया, जो कि 2.1 को आ गया, जो कि नॉर्मल रेंज आपका 3.5 होना चाहिए। तो उसका बाद में डॉक्टर ये बताया कि आपका लिवर बहुत वीक हो गया है, अभी लिवर काम करना फंक्शन करना बंद हो जा रहा, आपको लिवर ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी है। तो ये जानकारी हिसाब से मैं एडमिट होना शुरू हुआ हॉस्पिटल में, 2 बार एडमिट हुआ केयर हॉस्पिटल में, और डायग्नोसिस होने के बाद ये मालूम चला कि ट्रांसप्लांट एकदम इमरजेंसी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा बोल के बताया। मुझे जो है कैडावर जो डोनर है वो वाइजाग में मिला मुझे, तो इमीडिएटली मुझे वाइजाग को शिफ्ट किया केयर हॉस्पिटल को, वहाँ पर ट्रांसप्लांट 24th November में हो गया। ट्रांसप्लांट होने के बाद में बहुत ही अच्छा लग रहा, पहले तो एकदम सिक लग रहा था, वीकनेस लग रहा था, लाउजी लग रहा था, डल लग रहा था, एकदम एक्टिव बॉडी नहीं था, अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा, एकदम फ्री हो रहा। डे बाई डे मेरा जो ब्लड का पैरामीटर्स है, जो डायग्नोसिस हो रहा, वो बढ़ते जा रहा, जैसे हेमोग्लोबिन बढ़ जा रहा है, और लिवर फंक्शन टेस्ट पूरा नॉर्मल रेंज में आ जा रहा है, अभी क्रिएटिनिन जो किडनी फंक्शन टेस्ट का पूरा नॉर्मल में है, सब कुछ नॉर्मल में आ जा रहा है। थोड़ा मसल स्टिफ है कहीं कहीं, जो कि मुझे तकलीफ दे रहा, मसल्स वीक हो गया सर्जरी के बाद में, वो रिकवर हो रहा, अभी एक्सरसाइज चल रहा मुझे, फिजियोथेरेपी चल रहा, वो रिकवर हो रहा, अभी बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे। केयर हॉस्पिटल का एडमिशन सपोर्ट बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, स्पेशली वाइजाग में तो बहुत ही अच्छा है, नर्सिंग स्टाफ से पैरामेडिकल स्टाफ जो है बहुत ही सपोर्ट है वहाँ पर। मैं तो उतना ज़्यादा कॉन्शियस में नहीं था, सेमी कॉन्शियस में था, लेकिन मुझे बहुत ही सपोर्ट करे वो लोग, जो भी ज़रूरत है इमीडिएटली ला के दे रहे थे, खाने का और पीने का जो भी मेरा इच्छा था वो ला के इमीडिएटली नर्सिंग स्टाफ दे रहे थे, और 3 शिफ्ट में 3 नर्सेस मेरा पीछे लगे रहे थे। डॉक्टर टॉम चेरियन प्रोफेसर जो है यहाँ का, उन्हें तो सर्जरी के लिए माहिर है, कैसा भी यहाँ पर उन्हें जो सर्जरी करते तो उनका हाथ बहुत अच्छा है। मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, कोई भी अगर ट्रांसप्लांट करना चाहेंगे तो केयर हॉस्पिटल को आ सकते हैं, और यहाँ पर इकोनॉमिकल भी है और मिडिल क्लास फैमिली भी कर सकते हैं, जो कि पैकेज का हिसाब से बहुत ही कम है यहाँ पर।